बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। जी नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। सवाल ये है कि सर्दी के मौसम में गर्म टोपी, ऐसी टोपी कि जिसको अगर पहने तो कान उससे ढक जाए, वो पहनकर नमाज अदा करना कैसा। तो सवाल यकीनन अहम है कि सर्दी के दिनों के अंदर ऐसी टोपी पहनना कि जिसके सर के साथ साथ कान भी ढक जाए, ऐसी टोपी पहनकर नमाज पढ़ना कैसा। तो देखिए, ऐसी टोपी के जो सर पर पहने तो उससे कान भी ढक जाए, तो शरअन इसके पहनने की इजाजत है और वो पहनकर नमाज भी अदा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पेशानी है वो खाली हो और जमीन पर सजदा करते वक्त वो पेशानी अच्छी तरह से टच हो। लेकिन अगर ऐसी टोपी है कि जिसको आपने सर पर पहनना है और वो मोटी है और उससे कान भी ढक रहे हैं और पेशानी भी ढक रही है, और जब सजदा कर रहे हैं तो पेशानी सही तरीके से ज़मीन पर नहीं जम रही, तो उस वक्त ये हुक्म है कि बेहतर ये है कि पेशानी को खाली किया जाए अगरचे कान ढके रहें। और अगर पेशानी को खाली नहीं करते तो फिर हुक्म ये है कि सजदा इस तरह करें कि आपकी पेशानी को ज़मीन की सख्ती महसूस हो। तो ऐसी टोपी पहनकर बिल्कुल नमाज अदा करना जायज है, शरअन इसकी कोई कबाहत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल और इसका जवाब समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहम करम फरमाए।